कैसे आप सब, मैं हूं प्रिंस मोक्स और आज हम लोग अनबॉक्स करने जा रहे हैं सेफलुथियन फ्लूट्स की सी नेचुरल मीडियम की फ्लूट। एक्चुअली मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी क्योंकि मेरी जो पुरानी वाली फ्लूट थी वो खराब हो गई थी, तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप इसको ऑर्डर करोगे तो ये कुछ ऐसे पैकेज में आपको दिखती है और यहाँ पे वो सब लिखा है जिसको हमारा कुछ काम नहीं है एक्चुअली, तो हम इसको खोलते हैं। सो गाइस, फाइनली हमने ये काट लिया है और अभी हम इसको खोलते हैं। 3, 2, 1 खोल रहे हैं। गाइस अभी हम इसको निकाल लेते हैं। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और गाइस मैं आपको बता दूँ कैसे आइडेंटिफाई करें कि मॉस्टर जो है वो रियल कंपनी की है कि नहीं, क्योंकि गाइस देखो इसकी जो पैकिंग आई है ना वो जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी से की गई है, कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि इसमें कुछ गलती की है गई है। लेकिन जो हम लोकल ख़रीदते हैं ना अमेजोन से जो हमें लूटते हैं तो उनकी इतनी अच्छी नहीं रहती, जैसे कि आप पूनम फ्रूट्स के चैनल में जाकर देख लीजिए, तो मैंने वहाँ से ही देखा है। तो गाइस मैं इसको थोड़ा सा लूज कर देता हूँ। हाँ अब अच्छा है, अब हम ये बांसुरी खोलने जा रहे हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि इस बांसुरी के लिए मैं 1 साल से रुका था, अटक गया। रुको गाइस, ये भी वही पीवीसी पाइप में आती है जैसे कि हमारे आती दूसरी जैसे कांति फ्लूट वगैरह वगैरह, और ये हम खोल रहे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और गाइस आप देख सकते हो ये बांसुरी जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा। प्रोफेशनल लेवल की और इसकी जो थ्रेडिंग है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और आप देख सकते हैं इसकी छेद काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है और इसकी लंबाई भी एकदम बेस्ट है। और पहले हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं। परफेक्ट ट्यूनिंग है, एकदम बेस्ट ट्यूनिंग है और बहुत ही ज्यादा इसका जो है एक एक चीज जो है ना इसकी ध्यान से बनाई गई है, एकदम परफेक्ट है। मेरे पास दूसरी बांसुरी है लेकिन उसका इतना परफेक्ट ट्यूनिंग नहीं है, वो डी शार्प की लगती है, लेकिन दैट्स द परफेक्ट फ्लूट आई एवर सॉ। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर इस वीडियो पे